अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करते हैं और जो इंसान मेहनत से अपने पसीने की कमाई से अपना परिवार चलाता है, सस्ते में खाना खिलाता है, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है, आम लोगों की ज़रूरतों का पूरा करने वाला जो फुटपाथ दुकानदार है, अगर सच में कहें तो मज़दूर जिसको कहते हैं, मेहनत कश मज़दूर, पसीने की कमाई खाने वाला एक मज़दूर के साथ में क्या हो रहा है। ये फुटपाथ दुकानदार के लिए कानून बना, बड़ा संघर्ष के बाद राज्यसभा से लोकसभा से पास होने के बाद 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना और उस एक्ट के तहत ये तय हुआ कि अगर फुटपाथ पर कहीं भी कोई दुकानदारी कर रहा है, अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, तो वैसे दुकानदार को किसी विकास कार्य के लिए या किसी भी तरह का कोई काम करना हो सरकार को, तो कम से कम एक महीने पहले नोटिस दिया जाएगा कि अमुक विकास कार्य के लिए आपको यहाँ से दुकान हटाना पड़ेगा। लेकिन बिना नोटिस के दुकान को हटा दिया जाता है, उसका सामान बर्बाद कर लिया जाता है और ठेला भी उठा करके ले करके नगर निगम के लोग चले जाते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी पॉलिथीन के बहाने आप बड़े बड़े दुकानदार में आप दुकान में चले जाएं, वीआईपी दुकान में एसी जिसमें लगा रहता है, उसमें पॉलिथीन चेकिन के नाम पर कोई वसूली नहीं होता है, लेकिन फुटपाथ पर अगर कहीं दो चार पॉलिथीन मिल गया तो उसको फाइन देना है। आप बार बार कहा जाता है कि आप अनऑथराइज रूप से यहाँ हैं, तो सरकार को बताना चाहिए, नगर निगम कमिश्नर को बताना चाहिए, नगर प्रशासन को बताना चाहिए कि आपने ही सर्वे कराया पूरा पटना के अंदर में और पूरे बिहार के अंदर में, और सर्वे के बाद आपने सर्टिफिकेट दिया है, नगर निगम आयुक्त ने सर्टिफिकेट दिया है, उसको प्रमाण पत्र दिया है, फिर पहचान पत्र दिया है कि आप कोई चोर बेईमान नहीं है, आप फुटपाथ दुकानदार हैं, उसके लिए सर्वे किया गया कि कहाँ कहाँ इसको बसाया जाए, पूरा पटना में वेंडिंग जोन का निर्धारण किया गया। कई जो क्या करेंगे सर आगे की रणनीति, देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति खास करके पटना महानगर के अंदर फुटपाथ दुकानदारों की जो स्थिति है, बिल्कुल प्रशासन इस पर मनमाना कर रहा है, तानाशाही रवैया, क्रूर रवैया अपना रहा है प्रशासन, और प्रशासनिक क्रूरता के खिलाफ में सभी छः अंचल के जो फुटपाथ दुकानदार हैं, विभिन्न जगहों पर हमारा मार्केट कमेटी बना हुआ है, हर रोड में मार्केट कमेटी में सबसे पहले हम मीटिंग करेंगे, फिर अंचल स्तर पर मीटिंग करेंगे, फिर पटना महानगर स्तर पर एक बड़ा जनसमूह लेकर के हम नगर विकास आयुक्त को, नगर विकास मंत्री, आज के डेट में डिप्टी सीएम भी हैं तेजस्वी प्रसाद जी के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में ये विभाग है, हम इन लोगों से एक राउंड डेलीगेशन, कई बार हमारे साथियों ने बात किया है संगठन के लोगों ने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होता नहीं दिख रहा है, तो मजबूरन जो तानाशाही रवैया, मनमानी रवैया है और जो लूट खसोट मचा हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा और नगर निगम प्रशासन के द्वारा, उसके खिलाफ में हमारे फुटपाथ अपने पेट को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हम लोग सभी अंचल में। वेंडर्स डे है उस दिन पटना में हम लोग वेंडरों का बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे और आगे की भी और रणनीति का हम लोग खुलासा करेंगे कि कैसे कैसे ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा, क्योंकि एक्ट बना है, एक्ट बन के हमारा जो है सर्वे हो गया, आईडी कार्ड मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, हमको अब जरूरत है कि हमको रोजगार को हमारा सुरक्षित कीजिए, हमारा रोजगार जो है हमारा जगह में सुरक्षित हो, हमारा रोजगार सुरक्षित हो, तो उसके लिए एक आंदोलन हम लोग अब जबरदस्त करेंगे और ये लगातार चलेगा यहाँ से लेकर। हमें राजेंद्र कुमार, हम भी वेंडर हैं, लेकिन जितने भी दुकानदार पट्टा कहा उसने वोटिंग कर अध्यक्ष बनाया और इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी तत्काल में डीएम साहब से भेंट किए थे, उनसे चिट्ठी भी लिखे, बोले कि सर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, सर डीएम आप अतिक्रमण कर रहे हैं, हम लोग उसको मतलब कहाँ जाएगा, लोग कहाँ जाएगा, तो उसने कहा कि ठीक है हम इस पर हम विचार करते हैं। फिर उसके बाद हम किए अपर अधिकारी के पास किए, वहाँ भी बात किए, वहाँ भी यही बात हुआ, ठीक है इस पर हम कार्रवाई करेंगे, चिट्ठी भी दिए, चिट्ठी के माध्यम से और ये नीतीश कुमार के भी चिट्ठी लिखे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो आश्वासन दिए कि ठीक है इस पर हम विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे, जब वेंडर सब कवर जाएंगे
तो विचार करके क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अतिक्रमण आता है, ठेला तोड़ देते हैं। कैसे जवाब देंगे सरकार को? सरकार के जवाब यही देंगे, माननीय नरेंद्र मोदी ने लोन पास किया, उस पैसा से हमने ठेला खरीदा, उस पर हम भेंडिंग कर रहे हैं और ठेला को तोड़ दिया जा रहा है, तो लोन हम कहाँ से चुकाएंगे? आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग आदि तय कर रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन करें, जितने भी 72 वाट का फुटपाथ दुकानदार हैं हम लोग आंदोलन करें। सदन शुरू होने वाला है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर से तो क्या सदन की कार्रवाई जब चलेगी उस वक्त क्या करेंगे, कैसे सरकार को घेरने की, अपनी आवाजों को कैसे बुलंद करेंगे? आवाज को बुलंद करेंगे नहीं, सरकार तो पहुंचना है ही है, वेंडर जितने भी 72 वाट का वेंडर है एकजुट होकर हम उस आंदोलन को तैयार कर रहे हैं और इसके लिए रणनीति भी तय भी कर रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे घेराव करना है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। करीब करीब मान के चलिए 25,000 वेंडर हैं।